एक बार फिर शुरू हुई मुहिम तालाब गहरीकरण की। शहर के तालाब गहरीकरण की मुहिम आज एक बार फिर शुरू हो गई, जिसके तहत सुबह शास्त्री पार्क से बच्चों की साइकिल रैली निकाली गई, जिसको कि कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। वहीं कलेक्टर भास्कर लक्षकार भी साइकिल रैली में सम्मिलित हुए, जिसके उपरांत सिंहवासा पर पहुंचकर बच्चों द्वारा श्रमदान भी किया गया। वहीं तालाब के गहरीकरण के लिए मशीनें भी लगाई गईं। अब देखना होगा कि मेहनत कहां तक रंग लाएगी। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एक बार और जोर से ऊपर हाथ उठा के सब। हाँ, जोर से भाई साहब। तालाबों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पूरे हाथ ऊपर नहीं आए, एक बार पूरे। पानी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बेहतर कर ले, पेड़ों को बचा ले, पेड़ों को बचा ले, नए पेड़ लगा ले, नए पेड़ लगा ले, सभी प्रकार के प्रदूषण को रोक ले, सभी प्रकार। सामाजिक संगठनों के पहल से हम लोग तालाब गहरीकरण का काम शुरू कर रहे हैं जिले के द्वारा, और आज इसी क्रम में ये पहला पुष्प अर्पित किया है बच्चों के रैली के माध्यम से। जागरूकता भी हो और साथ ही साथ में बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदना बढ़े, इस तरह से और भी आगे लगातार पानी बचाने के लिए आगे निरंतर क्या नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर चालू? अभी हमारे पास में एक तो तालाबों का जो गहरीकरण है इस समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम वो है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुराने तालाब और पुरानी संरचनाएँ बनी हुई हैं उनको हम लोग डिसिल्टेशन करा करके उनका एक तरीके से पुनर्जीवित उनको करते हैं।